गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको टू इम्पोर्टेंट मोडल्स विथ पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। लुक एट, देखिए, इस साइड मैंने लिखे हैं एक्टिव वॉइस, इस साइड मैंने दो मोडल्स वर्ब लिखी हैं जो कि एक्टिव वॉइस में हैं, और इस साइड भी मैंने दो मोडल्स वर्ब लिखी हैं जो पैसिव वॉइस में हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि इनका यूज स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं और रिटर्न इंग्लिश में कैसे करते हैं। लुक एट, देखिए, जब भी किसी वाक्य के अंत में, आपको याद रखना है गाइस, जब भी किसी वाक्य किसी सेंटेंस के अंत में ना है, नी है, ने है, ना है, नी है, ने है इत्यादि शब्द आएंगे, तो आप जब उनकी इंग्लिश बनाओगे, उन वाक्यों की इंग्लिश बनाओगे, तो आपको याद रखना है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रखना है आपको? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स यू नो कर्ता। फिर क्या रखनी है? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या रखनी है गाइस? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब आप बोलोगे सर इस किसके साथ साथ आएगी? इज आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको रखना है इज। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आपको रखना है एम। यदि सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो आर आएगा, ठीक है। उसके बाद रखना आपको टू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू। अब टू क्या होता है गाइस? इन्फिनेटिव। क्या होता है गाइस? इन्फिनेटिव, ठीक है। उसके बाद रखनी है आपको वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। फिर रखना है आपको ऑब्जेक्ट, आखिरी में रखना है आपको ऑब्जेक्ट। तो देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने एग्जाम्पल लिखा तो हो, मुझे इंग्लिश बोलनी है, जैसे आपको किसी से बोलना है कि सर मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी है, ये हिंदी का सेंटेंस है, अब आपको इसकी इंग्लिश बनानी है, तो आपको इस वाली मॉडल्स, जो ये मॉडल्स है ना, इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है। इस वाले मॉडल्स के स्ट्रक्चर का यूज करके आप इस वाक्य की इंग्लिश बना सकते हो। कैसे? देखिए, अब मुझे क्या है गाइस? इसका सब्जेक्ट मुझे या मैं, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में मुझे आ जाए या मैं आ जाए, वो एक सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो मुझे के लिए रख दिया हमने आई, रख दिया कि नहीं? मुझे के लिए रख दिया हमने आई। अब आई के साथ एम आता है कि नहीं? तो आई एम टू, आई एम टू, ठीक है। तो क्या बन गया गाइस? आई एम टू, आई एम टू। अब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? स्पीक फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? तो आई एम टू स्पीक इंग्लिश, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। तो मुझे इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। तो क्या बन गया? आई एम टू स्पीक इंग्लिश। आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे सब्जेक्ट का कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आई लिखा है, अगर आई की जगह हमें बोलना होता है हमें इंग्लिश बोलनी है तो क्या बन जाता है गाइस? सिंपल क्या बन जाता है? देखो, वी आर टू स्पीक इंग्लिश हो जाता है कि नहीं? जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है गाइस, मुझे, तो मुझे के लिए तो आई आ गया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अब जैसे मैंने वी बोला तो वी के साथ आर आ जाता, आता कि नहीं? वी आर टू स्पीक इंग्लिश, वी आर टू स्पीक इंग्लिश। अब मुझे ये बोलना होता कि आपको इंग्लिश बोलना है, जैसे मुझे बोलना होता आपको इंग्लिश बोलना है, तो ना है आ रहा है कि नहीं? ना है, नी है, ने है, ये इस स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है ना। आपको इंग्लिश बोलना है, क्या बन जाता? यू आर टू स्पीक इंग्लिश, यू आर टू स्पीक इंग्लिश, होता ही नहीं गाइस। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉडल था किसका? एक्टिव का। ये फर्स्ट मॉडल मैंने आपको बताया, फर्स्ट मॉडल किसका? एक्टिव का। एक चीज आपको बता दूँ,
ये एक्टिव के जो मैंने सेंटेंस बनाया ना, आप इनको पैसिव में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बोलने के और इंग्लिश लिखने के दो तरीके होते हैं। आप सबको पता होना चाहिए इंग्लिश बोलने के और इंग्लिश लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ठीक है, तो ये फर्स्ट मोडल वर्ब था, ठीक है, फर्स्ट मोडल था। अब मैं आपको इसका पैसिव बनाना बताऊँगा। मैंने जब एक्टिव समझाया कि नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया इनको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखो पैसिव में आपको याद रखना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। जब भी आप किसी वाक्य का, किसी एक्टिव का पैसिव बनाएंगे ना गाइस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एस एम आर, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना गाइस, एस एम आर सेम टू सेम रखनी है। तो ऑब्जेक्ट एस एम आर टू, याद रखो आपको सेम रखना है, टू तक सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, फिर एस एम आर रखना है, फिर टू रखना है, उसके बाद जो टू इन्फिनेटिव होता है उसके बाद आपको बी रखना है। क्या रखना है गाइस? बी। और जितने भी पैसिव होते हैं आपको याद रखना है, जितने भी पैसिव होते हैं ना गाइस, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट एस एम आर प्लस टू प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस आखिर में क्या जाता है, जो पैसिव होता है उसको लास्ट में आपको सब्जेक्ट रखना है। पैसिव में सबसे लास्ट में सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये एक्टिव था ना, मुझे इंग्लिश बोलनी है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं पैसिव में? इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जानी है, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जानी है। ओके गाइस, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश था, तो पैसिव में सबसे पहले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब इंग्लिश कौन सा ऑब्जेक्ट है गाइस? सिंगुलर। एक इंग्लिश जो है ना गाइस सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ इज रखना है। तो इंग्लिश इज टू बी, देखो इंग्लिश इज टू बी हो गया कि नहीं? देखो स्ट्रक्चर याद रखना, आपको क्या रखना है? याद रखना फॉर्मूलाज। तो इंग्लिश इज टू बी, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक स्पोकन। स्पीक की थर्ड फॉर्म गाइस होती है स्पोकन। तो इंग्लिश इज टू बी स्पोकन बाय मी। सब्जेक्ट क्या था इसमें? आई था, तो लास्ट में क्या जाएगा? मी। पैसिव में सब्जेक्ट लास्ट में जाता है, बट उसको रखते कैसे? एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह रखना है। अब आप इसको बाय आई लिखोगे, बाय मी लिखना है। ये तो ये सब्जेक्ट ही, ये सब्जेक्ट था आई, बट आई कौन सी कंडीशन में आएगा? ऑब्जेक्टिव कंडीशन में। समझ आ रहा है गाइस? तो ये फर्स्ट मोडल वर्ब था, जैसे आपको मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के टेंसेस बता चुका हूँ। मैं एक्टिव पैसिव वॉइस की टेंसेस की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं अब आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? एक्टिव पैसिव वॉइस के मोडल्स, ठीक है ना, मोडल्स को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव इनटू पैसिव, ठीक है। अब बात करते हैं रूल सेकेंड मोडल्स की। सेकेंड मोडल्स की बात करेंगे, जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में ना था नीति ने थे, जब किसी हिंदी सेंटेंस के, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना था नीति ने थे आ जाए, तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर रखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। अब आप बोलोगे सर आप ये हम ये आप क्यों बता रहे हो? ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो हिंदी के वाक्य के एंडिंग से, हिंदी का जो वाक्य होता है ना, उसकी एंडिंग से हमें पता चलता है कि भैया आप प्रेजेंट में, पास्ट में, कि फ्यूचर में। इसलिए मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि था थी क्या, तो ये किसकी पहचान है? पास्ट की। इसकी है गाइस भूतकाल की। तो देखिए जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना था नीति ने थे, ये शब्द आएंगे या अक्षर आएंगे, तो आपको इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, करता, फिर रखना है वोज या वर्ब, वोज या वर्ब। एक चीज याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वोज रखना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वचन होगा, आपको वर्ब रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस टू, जैसे आपको टू जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट में भी टू था, यहाँ पे भी टू ही रखना है इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट प्लस वोज वर्ब प्लस टू प्लस बी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये कौन सी फॉर्मेशन है? एक्टिव की। ये फॉर्मेशन किसकी है गाइस? एक्टिव की। आप देखो
एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आता है। आप कोई भी चीज़ सीखो, आप लाइफ में कोई भी चीज़ सीखो ना, आप एक दो दो चार पाँच छः एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट होने चाहिए, तो वो चीज़ आपको बेटर अच्छे तरीके से आएगी। राम जी को रावण जी को मारना था, अब एक सेंटेंस है हिंदी का, राम जी को रावण जी को मारना था, ठीक है, ये एक्टिव का सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको याद में एक चीज़ बता दूँ, जो ये मैं अभी चीज़ें बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको ये मोडास बता रहा हूँ, ये कब यूज करते हैं, जब किसी काम में क्या आती है, हैप्पीनेस, मतलब हैप्पीनेस मींस खुशी, मतलब जब जब किसी वाक्य में कौन सी फीलिंग आएगी खुशी की, तो इन मोडल्स का यूज किया जाता है। आपको याद रखना, इसमें एक और मोडल्स करते हैं मजबूरी वाले, इसमें मोडल्स एक और तरीके के होते हैं मजबूरी वाले, कंपल्सन वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये जितने भी काम होंगे ना, जो मैं मोडल्स बता रहा हूँ ना, आपको कौन सी फीलिंग आएगी खुशी की, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे इंग्लिश बोलना है, तो इंग्लिश बोलना दो व्यक्ति दो तरीके से बोलता है, जैसे इंग्लिश बोलना है ना, कोई व्यक्ति मजबूरी में बोलेगा, कोई व्यक्ति खुशी में बोलेगा, बोलेगा कि नहीं। तो आज मैं जो ये मोडल्स बता रहा हूँ ना, ये सब कौन सी फीलिंग बताएंगे, बताएंगे हैप्पीनेस वाली, कौन सी बताएंगे। अब ये सेंटेंस अगर मैं बोलता ना, मुझे इंग्लिश बोलनी है, उसको मजबूरी में बोलता तो कैसे बोलता, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी तो आप याद रखना, जितने भी काम होते हैं इन मोडल्स में, जितने भी इन दोनों मोडल्स में काम होंगे ना, वो कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, खुशी। ओके, राम जी को रावण जी को मारना था, तो देखो राम जी इसमें सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आएगा राम जी, ठीक है, आप सिंगुलर सब्जेक्ट है राम जी, तो बोझ आया था, तो राम जी वॉज टू, राम जी वॉज टू किल रावण जी, गया नहीं, देखो राम जी वॉज टू किल रावण जी, तो ये तो एक्टिव था, ये क्या था गाइस, एक्टिव था, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, देखो ऑब्जेक्ट पे ले आएगा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर्ब आएगा, फिर टू आएगा, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में सभी चाहे मोडल्स हो चाहे टेंसेस हो, सभी पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आ गई प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करके हम पैसिव बना सकते हैं। तो पैसिव क्या बनेगा गाइस, रावण जी को राम जी के द्वारा मारा जाना था, ठीक है। तो ये राम जी की कोई मजबूरी नहीं थी, ये क्या है, इसमें हैप्पीनेस की फीलिंग है, क्योंकि हमेशा सत्य की असत्य पर जीत होती है। वो जो रावण जी थे उनको किसका सिंबल माना गया, असत्य का, रावण जी को क्या माना गया, असत्य, और राम जी को माना गया सत्य। तो जब सत्य की असत्य पर जीत होगी तो खुशी से होगी कि नहीं, तो ये सब फीलिंग्स कौन से बता रहे हैं, खुशी वाली, ठीक है। तो रावण जी के द्वारा मारा जाना था, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रावण जी, तो रावण जी पहले आ गए, तो रावण जी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो रावण जी वॉज टू बी, बोलेगा रावण जी वॉज टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आने तो किल्ड आ गई, तो रावण जी वॉज टू बी किल्ड बाय, अब बाय राम जी, रावण जी वॉज टू बी किल्ड बाय राम जी। तो आज मैंने आपको दो मोडल्स वर्ब बताई, दो मोडल्स वर्ब बताई, एक्टिव और पैसिव दोनों में, ठीक है। ये आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड गाइस, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे टेंथ में हो, इलेवंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, या आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। तो आज मैंने प्रयास किया, आज मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ये आप लिख लेना, ये मैंने इस साइड एक्टिव फॉर्मेशन लिखी है, ये फर्स्ट और सेकंड दो मोडल्स की, और इन दो मोडल्स के मैंने पैसिव लिखे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मैंने छोटा सा प्रयास किया था आपको समझाने का, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप इंग्लिश में और क्या क्या सीखना चाहते हो। जैसे अभी तो मैं जो अभी जो नाउडेज में आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस के अलावा आपको किसी भी टॉपिक में
इंग्लिश की किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं आज वीडियो में ये भी समाप्त करता हूँ। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।